जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हो। मैं कमांडो जीवराज आपके लिए आज अंजीर का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, अंजीर के पौधे की कटिंग कैसे की जाए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। ये अंजीर का बाग बीकानेर में स्थित है और बीकानेर में अंजीर के बाग ना के बराबर हैं, बहुत कम है इस बेल्ट में। तो ये बाग स्थित है छत्तरगढ़ सूरतगढ़ रोड के ऊपर इंदिरा गांधी नहर के किनारे खारबारा ग्राम पंचायत के पास में ऑन रोड ये बाग स्थित है। तो पिछले वीडियो में आपको अनार का पौधा कैसे लगाया जाए इसके बारे में जानकारी दी थी और आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि इस पौधे की कटिंग किस प्रकार की जाए। आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये 2 वर्ष का पौधा है, इसको 2 साल हो गए लगाए हुए और हमने इसकी अब तक कटिंग नहीं की थी, तो फर्स्ट टाइम इसकी कटिंग ले रहे हैं। वैसे प्रोडक्शन तो आना इसमें स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों सबसे पहले इसको नीचे से साफ करके और इसको कप की तरह ज़मीन से उठाओ और साइड में ऐसे फैलता हुआ कटिंग करेंगे। तो जो जो टहनियाँ नीचे की साइड में है उनको धीरे धीरे हमने कट करना है। ये वैसे अंजीर पूना किस्म का अंजीर है, थोड़ा साइज छोटा होता है लेकिन हर पत्ते के साथ में एक पौधा एक फल लगता है। तो देखिए जैसे ये डाल है, ये डालिए, इसका ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली हमने काटनी होती है ताकि पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। तो सबसे पहले इसको हमने ये वाली कटिंग दे दी, नज़दीक ले क्या जैसे इस डाले को हमने काटना है। तो इस डाले की ये पहले वाली आँख है ना, पहली वाली आँख, इसको छोड़ के और फिर काटना, यहाँ से इतना स्पेस छोड़ के ये जो आँख है इसके बाद में यहाँ से काटना, क्योंकि ये जो जगह है ना यहाँ से फुटान स्टार्ट होगी। जैसे ये वाली डाली है तो इसको यहाँ से इतना छोड़ के इतना काटना होता है, सेम इस साइड से। अभी इसका ये 3G कटिंग चल रही है, फर्स्ट कटिंग ये हो गई, ये 1G है, ये 2G है और ये 3G कटिंग है। इसकी कटिंग का जो जी सिस्टम है वो आपको मैं अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर इसके बाद में अगर यहाँ से टहनियाँ फूटती है और उनके साइड की अगर कटिंग करनी पड़ती है तो ये फिर हो जाएगी 4G कटिंग। तो इस तरह से इसको नीचे के साइड से ज़्यादा गहरा नहीं करना है, नीचे से इसको छोटे छोटे ब्रांचेज हैं इनको आप काट दीजिए। अब जैसे इनके जड़ों में झुंड बन रहा है उसको कटिंग करके साफ करना होता है। एक्चुअली में हमने इसमें तई लगवाई थी, बाग में कचरा हो गया था तो तई लगवाने की वजह से कुछ डालियां खराब हो गई है, ये जैसे खराब हो गई तो वैसे भी इसको हमने कटिंग करना है। अब जैसे इस टहनी को हमने ऊपर तक लेके जाना, तो इसकी ये वाली कटिंग है ना ये पूरी कर देनी हमने। इसकी आंख बचाओ और यहां से कटिंग इसकी करके दो। अब ये कटिंग इसकी यहां तक होगी। अब ये डाली है इसको भी हमने काट देना है। तो यहाँ तक अभी इसकी कटिंग सपोज करो, ये क्या हो गया, फर्स्ट जी हो गया। अब इसके बाद में ये वाला क्या हो गया, सेकंड जी, और ये वाला थर्ड। तो आपको मैं डेमो दे दिया। अब जैसे ये कटिंग हुई है यहाँ से, तो यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए 1 लीटर में 2 मिलीग्राम कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड और अलसी का तेल मिला के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास में छोटा बाग है, कम पौधे हैं, तो इसके ऊपर भी आप लेप कर सकते हो। इससे इसमें क्या होगा, फंगस नहीं फैलेगी और पौधा ख़राब नहीं होगा। और जब अगली बार हम कटिंग करेंगे तो इसके आगे जो ब्रांचें फूटेगी उनको हमने फिर कटिंग करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये अंजीर का अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना हमने तो इसकी समय समय पर कटाई ज़रूरी है। और वैसे साल में पतझड़ के बाद में इसकी कटाई स्टार्ट होती है,
और अच्छा प्रोडक्शन आता है इसमें। हर पत्ते के ऊपर अंजीर लगता है और अंजीर की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं। अंजीर को ड्राई फ्रूट में शामिल किया गया है और अगर ड्राई फ्रूट अंजीर खरीदते हैं हम तो लगभग 1500 रुपये 1 kg का रेट है इसका। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेस पर काम करते हैं लोग बाग। इसमें जैसे मैं हूँ, इस बाग में जो प्रोडक्शन होता है उसका यूटिलाइज नहीं कर पाता क्योंकि मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसको कच्चे फल को हम लोग क्या करते हैं, आगे जो जो कंपनी आगे खरीदती है उनको बेच देते हैं, फिर वो उसको अपने हिसाब से डेवलप करके उसको सेल आउट करती है। तो दो दो जो दोस्त मित्र पार्टी अगर अंजीर का बाग लगाना चाह रहे हैं, अंजीर का पौधा रोपण करना चाह रहे हैं, तो कटिंग तो मेरे बाग से लेके जा सकते हो। इसकी एक्चुअली में कलम लग जाती है ना। जैसे ये वाली डाली है, ये डाली मैंने इससे अभी कटिंग की है, सपोज करो ये वाली डाली है, इस डाली को मैंने कटिंग कर लिया पौधे से। अभी आप उसको एक बिलांद, इतना साइज एक बिलांद कट किया इसको इतना, और ज़मीन में इसको जो आपके एक पॉलिथीन है उसमें या आप जहाँ जहाँ प्लांटेशन करना चाह रहे हैं वहाँ गन्ने की तरह इतना सारे इसको ज़मीन में गाड़ दो। गाड़ देने के बाद में इसके ऊपर कॉपर क्लोरोक्साइड का एक लेप कर दो आप, और इसमें आप 2 दिन छोड़ कर 1 दिन पानी देते रहो। तो यही पौधा आपका थोड़े दिन बाद में ग्रोथ करके और रेडी हो जाएगा। तो जो जो साथी कटिंग प्राप्त करना चाह रहे हैं वो अपना बाग है 415 हेड के पास में, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। जो जो साथी इंटरेस्टेड हैं या घर में लगाना चाह रहे हैं तो वो इसको कटिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साथियों, अगर किसी के घर में अंजीर का पौधा नहीं है तो आप कटिंग अभी चल रही है तो आप अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं, और ये तो बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है। चर्म रोग से लेकर आपको बीमार पेशेंट तक को डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं, अंजीर खाइए आप। और कच्चा अंजीर मिल जाए या फिर आपको ताज़ा फ्रूट मिल जाए पौधे से उतरा हुआ, तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। तो दोस्तों, अंजीर के अगर बाग लगाने का जो जो साथी इच्छुक है यहाँ से कलम ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लेना चाह रहे, टिश्यू कल्चर का पौधा आप लेना चाह रहे हैं तो आप पूना साइड में वर्ली कंचन है या वहाँ से आप इसके प्लांट्स है वो मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छी कीमत मिलती है, किसान को मेहनत का हक आ जाता है, और इसमें ज़्यादा काम है नहीं कुछ। साल में आपको एक बार इसकी कटिंग करनी होती है, बाकी जड़ों में इसकी खुदाई वगैरह करके साफ सफाई कर दो इसकी, और ज़्यादा कुछ काम है नहीं। फिर आपको एक टाइम निकालना है केवल इसका फल निकालने के लिए, तो फल को कटिंग कर करके आप निकालते रहो, इकट्ठा करते रहो और मार्केट में सेल आउट कर दो। इससे ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसके अंदर। तो ये मैंने प्लांट कर रखा है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की 15 फीट की दूरी में ये प्लांटेशन किया हुआ है। तो साथियों, मैंने आज आपको काफ़ी हद तक अंजीर की कटिंग और इसके फायदे इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि अगला वीडियो इससे फ्रूटिंग कैसे की जाए, इसके क्या क्या रोग लगते हैं उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।